नमस्कार दोस्तों, मेंढक करता है टर टर सुबह शाम, गर्मी में बढ़ गए नींबू के दाम। दोस्तों बैंक में खाता, खाते में मनी, जैगवार छोड़ो नींबू चटा दो हनी। रील चला चला के हो गई है थकान, इलोन मस्क भी खोलने वाला है नींबू की दुकान। दोस्तों सफेद हो रहे हैं बाल, मुझे हेयर डाई दो, काचा काचा छोटा छोटा नींबू डालाई दो। दोस्तों फटा ना हो कुर्ता तो दर्जी उसे नहीं सिलता, सलाद में डालने के लिए अब नींबू नहीं मिलता। मेरे पैरों में मेहंदी लगी है, चलने फिरने के काबिल नहीं, नींबू ने कहा शोरूम में बिकूंगा, सब्जी मंडी मेरे काबिल नहीं। तेरे इश्क में आसिक इतने बीमार तो नहीं, नींबू जितने महंगे सेब और अनार भी नहीं। दोस्तों नजर से बचने के लिए सिर्फ मिर्ची लगा रहे हैं, शॉट मारने के बाद अब सिर्फ नमक चटा रहे हैं। फुल मजे करके मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी, बेबी के हाथों से सिर्फ नींबू पानी पीऊंगी। शुक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते थे कि एक भाई साहब थे, उनके पास दो बकरी थी, काली और सफेद, और दोनों बकरियों को शायद बेचने गए थे। अभी उनसे पूछते हैं कि क्या बकरी कहाँ बेचे, कैसे कितने बेचे हैं। भाई साहब एक मिनट, बकरियाँ आप बेच दिए अपना? कौन सी, काली वाली सफेद वाले? काली वाली बता दीजिए। हाँ बेच दिए उसको। सफेद वाली उसको भी बेच दिया। कहाँ बेचे हैं बकरी अपना? कौन सी, काली वाली सफेद वाले? सफेद वाली बता दीजिए। बंगला बाजार में। काली वाली उसको भी बंगला बाजार में। कितने के बेचे हैं बकरी अपना? कौन सी, काली वाली सफेद वाले? सफेद वाली बता दीजिए। 4000 में। काली वाली उसको भी 4000 में। दोनों को एक ही काम किया, सब कुछ किया है, एक ही साथ बेचा है, एक ही जगह बेचा है, तो काली सफेद क्यों कर रहा है? जानते हैं वो काली वाली कसाई से बेचे हैं। सफेद वाली उसको भी कसाई से बेचे हैं।